फाइनली भाईजान सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर हो गया है रिलीज। काफी दमदार है ट्रेलर। सलमान खान और कटरीना कैफ का एक्शन खूब पसंद कर रहे हैं लोग, और इमरान हाशमी को नेगेटिव रोल में देखकर फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फैंस। 12 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। आज है बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी का बर्थडे। उनके फैंस और दोस्त खूब दे रहे हैं उन्हें जन्मदिन की बधाइयां। इसी बीच ऑटो और मेट्रो में सफर करती दिखी हेमा मालिनी जी। हमारी ओर से भी उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लैक्मे फैशन वीक पर हसीना ने ढाया कहर। बिपाशा बासु, डायना पेंटी और अनन्या पांडे ने बिखेरी अपनी अदाएं। आप भी डालें एक नजर। कुछ होता है कि 25 साल हुए पूरे। इसके जश्न में आयोजित एक स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचे शाहरुख खान, करण जौहर और रानी मुखर्जी। फैंस के साथ खूब बातचीत की इन सेलेब्स ने। शाहरुख खान ने दिल खोलकर कही अपनी बात। आप भी डालें एक नजर। इस फिल्म का हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मकाम है हमारी जिंदगी में, हमारे दिलों में। आप लोग थोड़ा बहुत समझते हो, पूरा नहीं समझोगे क्योंकि कुछ कुछ होता है। कंगना की नई फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट हुई पोस्टपोन। पहले 24 नवंबर को रिलीज होने वाली थी फिल्म, लेकिन अब फिल्म की रिलीज 2024 तक के लिए टाल दी गई है। इस बात की जानकारी कंगना ने खुद एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर दी। फिल्म कुछ कुछ होता है कि 25 साल पूरे हो जाने पर फिल्म से अपनी किरदार अंजलि का लुक रिक्रिएट किया काजोल ने, और इंस्टाग्राम पर लिखा एक मजेदार कैप्शन। उन्होंने लिखा, 25 साल बाद फिर से अंजलि बनी, बस इस बार बास्केटबॉल नहीं मिली, फिल्म से कई यादें जुड़ी है। हनीमून छोड़कर गर्ल गैंग के साथ घूमने निकल पड़ी परिणीति। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हाल ही में परिणीति चोपड़ा की शादी पॉलिटिशियन राघव चड्ढा से हुई। ऐसे में ये समय उनके हनीमून का है, लेकिन अपनी स्टोरी के माध्यम से उन्होंने शेयर किया कि फिलहाल वो गर्ल गैंग के साथ घूमने निकल हुई है। बी टाउन के फेमस कपल करीना कपूर खान और सैफ अली खान की आज है वेडिंग एनिवर्सरी। ऐसे में अपने पति को बधाइयां देते हुए एक प्यारा सा पोस्ट किया बेबो ने, जिस पर फैंस बरसा रहे हैं खूब सारा प्यार। आप भी डाले एक नजर। पर काजोल की दिखी इंसानियत। दरअसल काजोल बड़ी जल्दी जल्दी चल रही थी और एक आदमी उनका वीडियो निकाल रहा था। ऐसे में वो आदमी जमीन पर गिर गया और फिर काजोल ने उसको उठाने में मदद की। इस वीडियो ने दिल जीत लिया है सभी काजोल के फैंस का। यार इसराइल और हमास के युद्ध के बीच सोनम कपूर ने फिलिस्तीनी बच्चों के लिए शेयर की एक स्टोरी। उन्होंने लिखा, इजरायली बच्चों की तरह फिलिस्तीनी बच्चों के प्रति भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आपको सिर्फ इजरायल या केवल गाजा के लोगों की परवाह है, तो असल में आपको इंसान की परवाह है ही नहीं।